हेलो फ्रेंड्स, टेक भारती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो हम बताने वाले डिजी लॉकर में आय प्रमाण पत्र अर्थात इनकम सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें। जी हाँ, अगर आप भी अपना आय प्रमाण पत्र अर्थात इनकम सर्टिफिकेट फोन के गैलरी में सेव रखते हैं तो कभी ना कभी डिलीट हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र को डिजी लॉकर में सेव रखेंगे तो हमेशा के लिए सेव रहेगा और जब डाउनलोड करना चाहे तब डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिजी लॉकर में आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू। अब डिजी लॉकर में आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे और जैसे आप ओपन करेंगे उसके बाद सर्च बार ओपन करके आपको यहाँ पर लिखना है डिजी लॉकर, फिर सर्च का सर्च पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, यहाँ देख सकते हैं डिजी लॉकर का मोबाइल एप्लीकेशन आ जाता है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे देखेंगे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, आप गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साइन या क्रिएट अकाउंट। अगर आपका डिजी लॉकर पर पहले से अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए फॉर्म को फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो नाम दिया गया उसको यहाँ पे फिल करेंगे, फिर यहाँ पे जन्मतिथि जो दिया गया उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे महिला या पुरुष, मेल या फीमेल जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देंगे, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देंगे, फिर यहाँ पे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन लॉगिन करने के लिए आपको बनाना होगा। यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं 6 डिजिट का आप अपने मन से, चाहे तो आप अपने मोबाइल का प्रथम अंक या लास्ट में कोई भी अंक यहाँ पे डाल सकते हैं। जब ये सब पूरा फिल कर देंगे उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करके जैसे ही वेरीफाई कंप्लीट करेंगे तत्पश्चात यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके पश्चात आपको बैक आना है, फिर यहाँ पे आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक मोबाइल नंबर, दूसरा आता है आधार या यूजर नेम के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप जिसके माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे, फिर उस डिटेल्स को यहाँ पे फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाया था उस पिन को डालेंगे, फिर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप डिजी लॉकर में लॉग इन हो गए। अब यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए दो तरीका है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे सर्च बार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सर्च फॉर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे लिखना है इनकम सर्टिफिकेट, अर्थात यहाँ पे सिंपल इनकम लिख कर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर राज्य का इनकम सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। अब आपको देख लेना है कि आपका जो राज्य उस राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बट अगर किसी को यहाँ पे अपना राज्य नहीं मिल रहा तो आपको बैक आ जाना है और यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरा राज्य का ऑप्शन देखने को मिला। अगर नहीं देखने को मिलता तो एक्सप्लोर मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो राज्य होगा उसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पे ऊपर में देखेंगे सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप सर्च बार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है इनकम सर्टिफिकेट। तो अब यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट आएगा ये सिर्फ आपके राज्य को होगा, जो आपने राज्य सेलेक्ट किया होगा। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर सिंपल क्लिक करेंगे, तत्पश्चात यहाँ पे आपका आधार कार्ड में जो नाम दिया रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्टेड हो जाएगा, अर्थात जिस नाम से लॉग इन किया होगा वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और दूसरा आ जाता है टोकन नंबर। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र है और यहाँ पे देखेंगे प्रमाण पत्र संख्या यानी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो मांग रहा है, तो यहाँ पे जो प्रमाण पत्र संख्या दिया गया इसी प्रमाण पत्र संख्या को वहाँ पे फिल कर देना है। उसके पश्चात जो दूसरा चीज मांगा जा रहा था टोकन नंबर, तो टोकन नंबर के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए नीचे की तरफ सबसे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं टोकन नंबर देखने को मिल जाता है, छोटा में देखेंगे ये देखने को मिल जाता है। यही दोनों चीज को आपको वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है, अर्थात यहाँ पे आने के पश्चात जो वहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या दिया गया था उसको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर में फिल करेंगे और जो टोकन नंबर नीचे में सबसे दिया गया था उस टोकन नंबर को यहाँ पे फिल करने के पश्चात यहाँ पे देखेंगे गेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, आप गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र सेव होना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका इनकम सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है। अब इसे देखने के लिए सर्टिफिकेट को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका देख सकते हैं पीडीएफ जो आपने डाउनलोड किया वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ये परमानेंट सेव हो गया, अब जब चाहे डिजी लॉकर एप्लीकेशन में आएंगे और यहाँ से आप अपना आय प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे सिंपल डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आएंगे ना तो ये आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पे इशू सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे 4 सेक्शन देखने को मिला है, तो 3rd सेक्शन यानी इशू सेक्शन में आएंगे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। यानी इसी तरीके से आप किसी भी राज्य का आय प्रमाण पत्र अर्थात इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आपका भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट है उसे कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता है वीडियो पसंद आया, अगर ऐसे वीडियो को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग अधम के साथ वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।